हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वे प्रोटीन रिव्यू वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूँ मसल ब्लेज के फ्यूल वन वे प्रोटीन के बारे में। अभी इसको मैं पिछले 30 दिनों से इस्तेमाल कर रहा था, नॉट एक्चुअली 30 दिन, बट मेरा ये पैक 20 दिन के अंदर ही ख़त्म हो गया। लेकिन मैं इसका वीडियो 15 दिन के बाद बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसके साइड इफेक्ट्स चेक करने थे कि मेरे पे कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अदर देन दैट मेरे बाल थोड़े कम हैं सर पे, सो एडजस्ट कर लेना एक दो वीडियो के लिए, उसके बाद शायद से आ जाएंगे। एंड मूविंग ऑन, आज के इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्ट, मिक्सिबिलिटी, ऑर्डर, प्राइस एंड मैक्रोस के बारे में। सेकेंड पार्ट में हम इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ों से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा प्राइस के बारे में। ये मेरे को पड़ा है 1400 का। अभी इसकी प्राइस है फ्लिपकार्ट पे अराउंड 1350। ये थोड़ा 50-100 रुपये ऊपर नीचे होता रहता है। इसके अलावा इफ़ आई टॉक अबाउट मिक्सिबिलिटी, तो इसकी मिक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी है वाटर, मिल्क और ओट्स के साथ। ओट मील में काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाता है, मिल्क में और वाटर में भी काफ़ी हद तक अच्छे लेवल पर मिक्स हो जाता है। बट अदर देन दैट, इफ़ आई टॉक अबाउट टेस्ट एंड ऑर्डर, आऊँगा मैं उस चीज़ के ऊपर। उसके पहले मैं मैक्रोस के बारे में बात करूँगा। तो इसके मैक्रोस में आपको मिलेगा 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 5.2 ग्राम्स BCAA एंड 11.8 ग्राम्स ऑफ EAA। लेकिन इसके अलावा इसके जो एक्चुअल प्रोटीन है, लैब रिपोर्ट टेस्ट करने के बाद जो एग्जैक्ट प्रोटीन मिलेगा वो शायद से 1-2 ग्राम कम रहेगा। नाउ आई हैव नॉट डन द लैब रिपोर्ट टेस्ट, सो आई एम अज्यूमिंग कि ये 1-2 ग्राम कम रहेगा एक्चुअल जितना मेंशन किया है इससे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द टेस्ट एंड ऑर्डर, तो इसकी टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आई विल गिव अ टेस्ट 3 out of 5। लेकिन अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो आई विल गिव देम 2 out of 5। देर इज़ अ रीज़न फॉर इट, क्योंकि जब भी मैंने इसको पहली बार ओपन किया था तभी मेरे को एक अलग सा स्मेल आया था। अभी आई डोंट नो कि ये डार्क चॉकलेट का स्मेल था कि जो एक्चुअल फ्लेवर है उसका स्मेल था, बट उस टाइम पे मेरा इंप्रेशन इसके लिए थोड़ा सा डाउन हो गया। बट एनी वे, इफ़ आई टॉक अबाउट ओवरऑल टेस्ट तो ओकेश है, बट या मेरे को इतनी कुछ खास नहीं लगी इसकी स्मेल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड फाइनल पार्ट, विच इज़ द इंग्रेडिएंट लिस्ट, जो कि इस वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस वे प्रोटीन में डाला गया है नॉर्मल वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट एंड वे पाउडर। इसके अलावा इसमें है कोको पाउडर ताकि ये चॉकलेट फ्लेवर दे सके एंड इसमें एक टेक्सचर आ सके ब्राउन कलर का। इसके अलावा इसके अंदर है स्टेबलाइजर INS 415, जिसको हम कहते हैं थिकर 415। एंड ये आपके इसका एक बेनिफिट है कि इसके वजह से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है एंड देर आर सम फ्यू बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ दिस थिकर। एंड ये चीज़ आपको हर एक वे फ्लेवर्ड वे प्रोटीन में देखने मिलेगी ही मिलेगी। एक मसल का, एक्सेलरेट का, जो जो मैंने रिव्यू किए थे ये सब में ऐसा दिया गया है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, विच इज़ स्वीटनर 955। एंड ये स्वीटनर 955 को एक नॉर्मल ले मैन के लैंग्वेज में हम उसको बोलेंगे सुक्रलोज, जो कि हर एक वे प्रोटीन में दिया जाएगा टू मेक इट स्वीट। एंड सुक्रलोज इज़ मेनी टाइम्स स्वीटर देन नॉर्मल शुगर, इसलिए वे प्रोटीन आपको मीठा लगता है। एंड ये एक एनॉर्मस अमाउंट में कंज्यूम करने के बाद भी आपको कुछ होगा नहीं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम उतनी कैपेबल है कि इस चीज़ को डाइजेस्ट कर सके। नेक्स्ट इज एल एस्कॉर्बिक एसिड। अभी ये मेरे को थोड़ा यूनिक इंग्रेडिएंट लगा, इसके लिए मैंने इसके ऊपर और थोड़ी सी रिसर्च की तो मालूम पड़ा कि दिस इज़ समथिंग विटामिन सी विच कैन बी डाइल्यूटेड इन वाटर, जो कि वाटर में ईजिली सॉल्यूबल है एंड इसके वजह से आपको कुछ हार्मफुल इफेक्ट नहीं होने वाले हैं। मैंने एक चीज़ इसकी देखी कि इसके वजह से लीवर पे कुछ इफेक्ट होता है कि नहीं होता है, सो मेरे को कोई भी स्टडी यहाँ मिली नहीं है। एंड बहुत सारे वेबसाइट पे एक ही चीज़ मेंशन की है कि इसके ऊपर कोई एक्चुअल स्टडीज या रिसर्च पेपर अवेलेबल नहीं है जाके मैं चेक कर सकूँ कि इसके वजह से कि सच में कोई हार्मफुल इफेक्ट है कि नहीं। तो देर इज़ नो सफिशेंट इन्फॉर्मेशन टू फैक्ट द प्रूफ कि इसके वजह से आपका लीवर डैमेज हो सकता है, या एक चीज़ मेंशन की थी कि इसके वजह से जॉन्डिस भी नहीं होता है। नाउ आई डोंट नो वाई दे हैव मेंशन दैट, बट ऐसा लिखा हुआ था। अदर देन दैट, इफ आई टॉक अबाउट बाइंग दिस वे प्रोटीन वंस अगेन, देन आई वुड से कि मैं इसका सेकेंड टाइम परचेज करने नहीं जाऊंगा। बट इफ़ यू वॉन्ट एक्सपीरियंस ऑफ दिस मसल ब्लेज फ्यूल वन, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर इट, ट्राई इट फॉर वंस। एंड अगर आप जज कर सकते हो कि आपके लिए ये बेटर है कि नहीं, अभी 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद जब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आफ्टर कंज्यूमिंग दिस फॉर 15 days, सो मेरे को कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं दिखे इस वे प्रोटीन के मेरे पूरे बॉडी पे। डाइजेस्ट हो रहा था, थोड़ा सा मेरे को गैस का इशू हुआ था, लेकिन दैट वॉज समथिंग नेग्लिजिबल। एंड
इसकी वजह से कुछ फेस पे पिंपल्स वगैरह नहीं आए या फिर कुछ ऑड इफेक्ट नहीं दिया. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, दिस इज यश काशित, साइन ऑफ.